जो मेरा घर है ना उससे 2 मिनट के पीछे, जैसे जुरोंग गार्डन है उसी के पीछे जुरोंग लेक है यार। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ उसका, लेक का। अगर सिंगापुर का भी व्यू थोड़ा सा बिल्डिंग्स का नज़र लगे, ये लेक है, छोटी सी लेक। और ये क्या रहे छोटी सी, इधर से ये गार्डन में घूमने के लिए, शायद कहीं भी काम के लिए नहीं, फ्री में होगी, देख लो यार। अंधेरा सा दिख रहा, हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। जैसे 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी वीडियो। तो जब मैंने BLS ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, सब कुछ जैसे मैंने बता रखा था, उसी तरह 3 दिन बाद मेरे को ये मिल गया है, एरामैक्स, ये शिपिंग कंपनी है, इसके अंदर जो है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट सिंगापुर में मेरे को 3 दिन के अंदर मिल गया है, मेरे साथ चौथा दिन है। सो जैसे आज है सैटरडे, तो मैंने उस दिन गया था, ट्यूसडे को अप्लाई करा था, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और चौथे दिन में मुझे ये मिल गया। सो सबसे पहले सिंगापुर की जो शिपिंग कंपनी है, ये एरामैक्स है, जो कोरियर कंपनी बहुत ही है, इन्होंने मेरे को मैसेज दे के बताया कि हम कहाँ पर हैं और हमारे को कहाँ पर डिस्पैच कर दिया, और उन्होंने मेरे घर पर आके ये दे दिया। अब मैं घर पर आके, जब घर पर हूँ अभी तो रास्ते ऑफिस पर मुझे मिला था, जब मैं घर पर जाऊँगा इसको दिखा दूँगा बर्थ सर्टिफिकेट। सो सिंगापुर में जो BLS की सर्विसेज है बहुत ही ग्रेट है। अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है विद इन 5 वर्किंग डेज, अगर आपको सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट ये बनवाना है विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज, सो बहुत अच्छी सर्विस है सिंगापुर में। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अगर आप इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा रहे हो या कितना टाइम लगता है, पासपोर्ट रिन्यूअल में कितना टाइम लगता है, इधर 3 to 5 दिन ही लगते हैं। सो थैंक्स फॉर BLS एंड थैंक्स फॉर दिस शिपिंग कंपनी। अच्छी बात यह है कि नोटिस बोर्ड होता है, कुछ भी अपडेट होता है ना, आप देख सकते हैं सिंगापुर के नोटिस बोर्ड, हाउसिंग के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन सब इधर। हमेशा की तरह घर में आ चुके हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, इसको करेंगे ओपन, दिखाते हैं कैसा बर्थ सर्टिफिकेट है और इसका क्या क्या यूटिलाइजेशन फ्यूचर में होगा। ये जो सर्टिफिकेट है बहुत आसान है इधर और हमेशा के लिए काम आएगा। इंडिया में थोड़ा टफ होता है, सिंगापुर में बहुत आसान है, और जिस जिस में काम आएगा बताता रहूँगा आने वाली वीडियो में। अभी मैं ओपनिंग करके दिखाऊंगा इसको कैसा है वो। ये सिमलिम की मार्केट है ना, सिमलिम का और इलेक्ट्रॉनिक टाइप है, 14 स्टोरी मेरे को जाना है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कैसे जाना है। देखो जो ये एक मेरा पासपोर्ट एंड ये ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर का जो फॉर्म है वो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म है। मैंने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन सारी भर दी है उसमें, और उसके अलॉन्ग जो फोटो कॉपी लगी है वो मेरी पासपोर्ट की लगी है और मेरे वर्क परमिट की लगी है। सो ये 3 कागज वहाँ जाके, BLS एक ऑथोराइज एजेंसीज है जो इंडियन एम्बेसी का काम करती है, वहाँ जाके जमा कराना है इनको, और विद इन 3 डेज में मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। सो अब मैं ये अभी घर पर की है वीडियो, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ रास्ते में, उसके बाद वहाँ जब BLS ऑफिस पहुँच जाऊँगा उसका भी मैं एड्रेस आपको दे दूंगा। तो अगर BLS ऑफिस में काम कौन कौन से होते हैं, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है उधर, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ स्पाउस वीज़ा वगैरह के, सो जिस तरह से जो इंडियंस के डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ती है वो आप BLS पर जाके सारा काम अपना करा सकते हैं। सो मुझे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, सो मैं उन्हीं के ऑफिस जा रहा हूँ। ये ऑथराइज एजेंसी है इंडियन एम्बेसी की जो सिंगापुर में है। सो सिंगापुर एम्बेसी में जाने से ये पहले आपको इधर भेजना पड़ेगा, मीन्स आपको वहाँ एम्बेसी में अभी जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ COVID-19 की वजह से स्ट्रिक्ट है। तो आपको BLS ऑफिस पर जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने, विद इन 3 डेज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आप अप्लाई करो 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। सो इसकी जो फीस जो मेरी लगी है $35 प्लस टैक्सेस $45 के आसपास है, प्लस डिस्पैच जब कोरियर के थ्रू आएगा मेरे घर पर तो $12, तो कुल मिला के $60 $60 के आसपास लगी है। सो मिलते हैं BLS ऑफिस के आगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जाना है 14 स्टोरी पर, प्रेस बटन, ये मेरे घर के बगल में ही है। तो मैं जा रहा था तो MRT की तरफ से सोचा था इस रास्ते से थोड़ा
जो गार्डन की वीडियो है वो बना देता हूँ। अच्छा खासा गार्डन है यार, ठीक है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये घर के लेटर बॉक्स है, जो भी आपका घर है ना उसका। मेरा घर कहाँ पर है? 11, इधर 1174। अगर कोई भी लेटर आता है इधर आता है, उसे निकाल लेते हैं। बिकॉज हाँ, डॉक्यूमेंट्स हर समय पर काम आता है। जो जो मेरी गलतियाँ यार, ये है कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट है आप वो भी बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया से वो बनवा लो। मेरे पास अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन आगे जाके मुझे वो भी बनवाना पड़ेगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। मेरे से ये है कि आप अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा रहे होम कंट्री से आप बनवा सकते हो, बाहर भी बन जाते हैं। बहुत दिक्कत, पैसा ज़्यादा लगता है। जैसे इसके लिए मुझे $55 लगे हैं, इंडिया के हिसाब से 3.5। चलो ठीक है, अब हम इसे ओपन करते हैं यार, मैं देख लूँ। काफ़ी $55 का हिसाब है तो यार। ओपन, पैकिंग बहुत अच्छी दी है उन्होंने, देखो यार पूरी पैकिंग। और ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, ये उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ है उन्होंने। हाई, ठीक है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया ग्रांट टू होम ऑन द बेसिस, इसे होम आलोक कुमार जी हैं यहाँ के, जो हाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ऑफिसर है, काउंसलिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री अपेयरिंग इंडियन पासपोर्ट इश्यू सिंगापुर टू मिस्टर कुमार रवि, इट इज सर्टिफाइड शी आर बॉर्न मिस्टर लाला राम फादर मदर नेम एट 26 एट दिल्ली इंडिया। बर्थ सर्टिफिकेट हो चुका है। हाई कमीशन, दिस सिम 328 नंबर, ठीक है। इतना ही था यार, ये मेरे को ऐसा मिला है। थैंक यू। कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। 7 मिनट्स की दूरी पर है वॉकिंग डिस्टेंस से, लेक साइड एम आर जो है, वहाँ से मैं मेरे को जाना है सरंगून की तरफ, जहाँ DLS का ऑफिस है। ऑलमोस्ट आ ही चुका है। ग्रीनरी भी देख लो यार, MRT के पास कितनी सारी ग्रीनरी इन्होंने बना रखी है। और ये जो सामने जो है ना, प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी हैं उसमें। यार सिंगापुर इज़ अमेजिंग कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री, साफ सुथरी, मतलब साफ सुथरा है यार बिल्कुल। ये सामने दिख रहा है ना लाल लाल सा, ये है MRT स्टेशन। यहाँ से मुझे लेनी है जालन बसार MRT के लिए, नियर लिटिल इंडिया। वहाँ पर देखते हैं यार। देखो कुछ और भी दिखा देता हूँ, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं यार। सिंगापुर में सबसे अच्छी खासियत है ना मुझे ये लगी है कि पेडिस्ट्रियन के ऊपर शेल्टर बना रखे हैं, तो गर्मी भी होगी ना बाहर तो आपको महसूस नहीं होगी, बरसात होगी तो भी आपको महसूस नहीं होगी। यार MRT स्टेशन की तरफ आ गए यार, बिल्कुल MRT स्टेशन के ऊपर आ गए, जैसे दिखा रहा है ये MRT। तुम्हारा भाई जाने के लिए हो गया है तैयार, अब मैं जा रहा हूँ BLS ऑफिस, मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अब वो सर्टिफिकेट में क्या फ़ायदा है, क्योंकि MOM वगैरह में कहीं काम आता है रिन्यूअल वगैरह परमिट पर, और अगर आपके कोई एजुकेशन वगैरह आप कर रहे हो सिंगापुर में पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है, और अगर आपको कोई PR वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है। और सिंगापुर में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आसान है, 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो दिखा देता हूँ।